नमस्ते फ्रेंड्स, आप सबको शांतिस फूड विल्ला में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ वो डिश का नाम है कोकोनट मिल्क एंड साबुदाना मिक्स डेजर्ट। इसके लिए हमने लिया है ये 1.5 कप कोकोनट मिल्क, थोड़े से तरबूज के पीस बना के रखे हैं, टेस्ट के लिए नमक, 1-2 चम्मच सब्जा का बीज को रात को भिगो के रखा था, 1/2 कप दूध लिया है, 1/2 कप साबुदाना लिया है, थोड़ा सा केवड़े का एसेंस, थोड़ा सा कलर, रेड कलर और येलो कलर। जिस माप में साबुदाना लिया था उसी माप में 6 कप पानी डालेंगे। अभी ये पानी को गैस के ऊपर बॉईल होने रखेंगे, साथ में थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। अभी पानी उबलने लग गया है, उसमें अभी ये जो साबुदाना था वो डाल के इसे 15 मिनट के लिए बॉईल होने रखेंगे। अभी एक पैन में गुड़ डालेंगे और 1/2 पाव पानी डालेंगे और इसका एक सिरप बनाएंगे। अभी ये गुड़ मेल्ट हो गया है, अभी इसमें 1-2 ड्रॉप केवड़े का एसेंस डालेंगे। अभी ये सिरप को छन्नी से छान लेंगे क्योंकि इसमें कचरा रहता है गुड़ में, इसलिए ये गुड़ का सिरप को छान लिया है। देखिए अभी ये साबुदाना अच्छे से बॉईल हो गया है, अभी इसके अंदर जो स्टार्च है उसको छान के निकाल देंगे। अभी ये साबुदाने को अच्छे से छान लिया है, इसका जो स्टार्च था वो सब निकाल लिया है। अभी ये साबुदाने को 2 पार्ट में डिवाइड किया है और इसमें एक में मैं थोड़ा सा रेड कलर डाल रही हूँ। और एक में थोड़ा सा लेमन कलर। देखिए अभी इसमें एक में रेड और एक में लेमन कलर मिक्स कर दिया है। अभी एक बड़ा सा बाउल में एक कोकोनट मिल्क, और ये गुड़ का सिरप मिक्स करेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने को रख देंगे। इसमें हमने केवड़े का एसेंस डाला हुआ है, देखिए। अभी तो ग्लास लेंगे, उसमें सबसे नीचे ये रेड वाला साबुदाने को डालेंगे। फिर येलो वाला डालेंगे, अभी सब्जा का बीज डालेंगे, अभी इसके ऊपर ये जो कोकोनट मिल्क था वो डालेंगे। अभी ये जो तरबूज के पीस थे वो डालेंगे। आप ये तरबूज के पीस की जगह पे अपना मैंगो या जैकफ्रूट भी डाल सकते हैं। अभी ये रेडी है
ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, अब ये कोकोनट मिल्क का साबुदाना मिक्स डेजर्ट रेडी है। आप प्लीज़ एक बार ये डिश को ट्राई कीजिए और मेरा वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ थैंक यू।